हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले सबसे सस्ते ईयरबड का रिव्यू। जिन्हें नहीं पता तो मैं बता दूं, इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 215 रुपये है। इतने में तो अगर आप कोई वाइड ईयरफोन भी लेने जाओगे तो वे भी नहीं मिलेगा। उसका भी प्राइस अप्रोक्स 450 से 500 रहेगा। बाकी बातें बाद में करेंगे, चलिए पहले देखते हैं ये बड्स आपके लेने लायक हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर आपको मिल जाते हैं दोनों बड्स, जिन्हें इनके केस से बेदखल कर दिया गया है। यहाँ पर इसका केस, और अगर आप इसके नीचे देखते हैं तो इसके पाउच में आपको मिल जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और चार्जिंग केबल। बात करें ईयरबड की केस की, तो सामने के साइड में ये आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसमें थोड़े बहुत से स्क्रैचेस भी लग सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं, ये मेरे वाले में लग गए हैं। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा यूएसबी पोर्ट, जिससे आप अपना फोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। इसकी भी टेस्टिंग करेंगे। और इसी के बगल में ये एक हुक मिल जाता है, जिसे आप एज अ कीचेन भी यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े राइट साइड की तरफ, तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पिन मिल जाती है जो माइक्रो यूएसबी है, और एक छोटी सी फ्लैश लाइट जिसकी बटन यहाँ पर नीचे साइड में है, और आप जैसे इसको प्रेस करते हो तो ये लाइट ऑन हो जाती है। ये बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, लेकिन इमरजेंसी में आपके काफी काम आएगी। डिजाइन वगैरह की तो सारी बातें हो गई, अब इसके बड्स की टेस्टिंग करते हैं। सो सबसे पहले मैं इसका मैग्नेट टेस्ट करूंगा कि कैसा है। तो अगर मैं इसे आराम आराम से हिलाता हूं, देख सकते हो, तो नहीं गिर रहा है। अब एकदम एक्सट्रीम पे जाते हैं। सो अब जाके एक गिरा है, और एक तो भाई अभी भी नहीं गिर रहा है। वैसे इतना तेजी से कौन ही लाएगा, ये तो मैंने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया है। अब आगे बढ़े अपने मेन प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका साइज आप लोग देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, जिसकी वजह से ये आपके कानों में इजीली फिट हो जाता है, और आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकती हैं। लेकिन ये इतना भी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे अपने कानों में लगाते हैं और ऐसे लेट के पिल्लो के ऊपर कुछ मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो ये आपके कानों में बहुत अंदर तक चला जाता है, जिससे कुछ ही मिनट के अंदर आपके कानों में बहुत ज्यादा पेन होने लगेगा। बात करें इनके साउंड क्वालिटी की, तो नो डाउट प्राइस के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप किसी को इसका प्राइस नहीं बताओगे और उन्हें बोलोगे कि साउंड सुन के बताओ कि कितने का होगा, तो भाई वे 800 से 1200 के बीच में बताएंगे। और ये मैंने खुद ही टेस्ट किया है अपने दोस्तों के साथ। बाकी यहाँ पर आपको टच कंट्रोल मिल जाते हैं, जिससे आप सॉन्ग को प्ले पॉज कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, या फिर कॉल आए तो उसे भी रिसीव या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अब कॉल से याद आया कि क्यों ना इसके माइक की टेस्टिंग करते हैं। सो मैं अपने किसी दोस्त को फोन लगाता हूँ और आपको इसकी क्वालिटी सुनाता हूँ। सो आप लोग देख सकते हो कि मैंने ये अपने दोस्त को कॉल किया। अब भाई एक बार ये बताइयो कि साउंड क्वालिटी कैसी आ रही है बड्स की। हाँ भाई, क्या हुआ, नॉर्मली आ रही है। मतलब नॉर्मल सी है ना, ऐसे कोई लाइक साउंड ब्रेक हो रही हो या फिर वैसा कुछ? नहीं नहीं, एकदम मस्त। हाँ ठीक है, चल तो रखा भी। सो साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस प्राइस रेंज की बड में क्या होता है कि जब आप बोलते हो तो साउंड काफ़ी ऐसी दबी दबी सी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा भी कुछ सीन नहीं है। बात करें इनके बैटरी की, तो अगर आप इन बड्स को एक बार फुल चार्ज करते हैं तो ये 2 से 2.5 घंटा आराम से चल जाते हैं, और अगर आप इसके केस को चार्ज करते हैं जिसको चार्ज होने में 2 से 3 घंटा लगता है, तो इन बड्स को आप 4 से 5 बार चार्ज करके और यूज़ कर सकते हैं। सो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये केस एक पावर बैंक भी है, तो अभी मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगा के टेस्ट करूँगा कि ये हमारे फ़ोन को कितना परसेंट चार्ज करता है। सो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 11:11, और मैं अपने फ़ोन को चार्ज में लगाता हूँ, उसके बाद देखते हैं ये कितना चार्ज करता है। तो अभी इसकी बैटरी 52% बची है, बट ये चार्ज होना बंद हो गया था। तो मतलब अगर वैसे भी देखें तो 50% में इसने सिर्फ 1% चार्ज किया। सो एज अ पावर बैंक ये बेकार है एकदम। बात करें फाइनल डिसीजन की कि ये बड्स आपको लेने चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आपका बजट 200 से 600 तक है तो भाई आंख बंद करके इस बड्स को ले सकते हो, क्योंकि मैं इसे पिछले 3 से 4 दिन से यूज कर रहा हूँ, और प्राइस के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आपको इसे खरीदना है तो मैंने इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में दे दी है, आप उस पर टैप करके इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो या फिर कोई और प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर बना देंगे।